जनरेटर के शाफ्ट को घुमाकर हम बिजली पैदा कर सकेंगे। जनरेटर एक स्टीम टरबाइन से गति प्राप्त करता है, जिसे पावर प्लांट का दिल कहा जाता है। 65% के पास इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में आज भी थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होती है और 85% कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्लांट यानी कोयले पर ही डिपेंडेंट है। 500 मेगावाट पहले कोयले को कोल माइन से पावर प्लांट तक ट्रेन की हेल्प से लाया जाता है और इस कोयले को खाली किया जाता है कोल यार्ड के अंदर। कोल यार्ड वह जगह होती है जहां कोयले को पावर प्लांट में रखा जाता है कोल मैनेजमेंट के लिए और यह कोल यार्ड अराउंड 50% के आसपास जगह पावर प्लांट की कंज्यूम कर जाता है। इंडिया में 2018-19 के ईयर में 622.22 मिलियन टन कोयला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज हुआ और यह कोयला या तो जमीन खोद कर निकाला जाता है या फिर पेड़ों को काट कर बनाया जाता है। हम कुछ सरल तकनीकों की मदद से पावर प्लांट के प्रदर्शन को काफी बढ़ा सकते हैं। सुपर हीटिंग के मामले में लिक्विड को स्टीम में परिवर्तित करने के बाद भी और भी अधिक हीट ऐड हो जाती है और इससे स्टीम सुपर हीट हो जाती है। स्टीम का टेम्परेचर जितना अधिक होगा, साइकिल उतनी ही ज्यादा एफिशिएंट होगी। ये कैरनॉट की थ्योरम मैक्सिमम पॉसिबल थर्मल एफिशिएंसी के अनुसार है। लेकिन स्टीम टरबाइन मटेरियल 600 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए सुपरहीटिंग उस सीमा तक सीमित है। ब्लेड की पंक्तियों के साथ बहते हुए स्टीम का टेम्परेचर कम हो जाता है। नतीजतन पावर प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाने का एक शानदार तरीका यह है कि पहली टरबाइन स्टेज के बाद हीट ऐड कर दी जाए। इसे रीहीटिंग कहते हैं और यह स्टीम के टेम्परेचर को फिर से बढ़ा देगा, जिससे एक हाई पावर आउटपुट और अधिक एफिशिएंसी प्राप्त होगी। पावर प्लांट के कम प्रेशर वाले साइड का जटिल सीलिंग अरेंजमेंट्स के बावजूद भी वायुमंडलीय हवा को सोख लेने का खतरा रखते हैं। फीड वाटर में घुली हुई गैसें समय के साथ बॉयलर की मटेरियल को खराब कर देंगी। इन घुली हुई गैसों को हटाने के लिए एक खुला फीड वाटर हीटर पेश किया जाता है।